तो दोस्तों टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देश में कोरोना वायरस की महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। इस कारण केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों ने विभिन्न प्रकार की होने वाली स्कूल और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं हैं वो स्थगित और कई परीक्षाओं को रद्द भी कर लिया गया है। और इसी बीच राजस्थान सरकार की तरफ से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष होने वाली विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की तकनीकी शिक्षण संस्थानों और स्नातक कोर की जो पाठ्यक्रम की परीक्षा हैं उनको इस वर्ष नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय है दोस्तों अशोक गहलोत के निवास स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और अशोक गहलोत ने यह भी ट्वीट कर बताया है कि कोरोना महामारी के देखते हुए इस वर्ष उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्नातक और स्नातक कोर के पाठ्यक्रम की जो परीक्षा हैं उनको नहीं कराया जाएगा और सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। और प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का निर्धारण है वो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यानी HRD मंत्रालय द्वारा आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देशों के अन्य अध्ययन पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। और इस बैठक में है जो दोस्तों उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य और सूचना एवं जन संपर्क आयुक्त श्री महेंद्र सोनी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। तो दोस्तों राजस्थान में जो भी विश्वविद्यालय स्नातक कोर की जो परीक्षा है वो अब इस साल नहीं हो पाएगी, इसलिए दोस्तों आप इस परीक्षाओं की चिंता से मुक्त रहे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों के साथ भी ये जानकारी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं उनके बारे की टेंशन है वो खत्म रहे।